कोई रेस्टोरेंट कितना सक्सेसफुल होगा ये डिपेंड करता है उनके शेफ्स पे, ना कि एमिनिटीज पे। वैसे ही कौन सा इंस्टीट्यूट कितना सक्सेसफुल होगा, वहां के स्टूडेंट कितने सक्सेसफुल होंगे, ये सीधा डिपेंड करता है उनके ट्रेनर्स पे। सो लेट मी स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग आवर ट्रेनर्स। आवर ट्रेनर्स हैज बीन टीचिंग फॉर लास्ट 13 इयर्स, यानी जहां से गवर्नमेंट एग्जाम्स का बैंकिंग एग्जाम शुरू हुई थी तब से आवर ट्रेनर्स आर टीचिंग। मोस्ट ऑफ द ट्रेनर्स हैव क्रैक्ड ऑलमोस्ट ऑल द गवर्नमेंट एग्जाम्स, जिसके वजह से दे नो कि कौन से चैप्टर से कितने बेस के कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हम लोग जब आपको पढ़ाएंगे इस करिकुलम में, वो पूरे बेस से क्वेश्चंस उठाए जाएंगे प्लस माइनस से, विद कंसिडरेशन कि आपको कुछ नहीं आता, और शायद मैं सही बोल रहा हूं, वहां से उठा के आपको बैंकिंग जॉब तक पहुंचाने की जो जर्नी होगी उस हिसाब से हमने करिकुलम को डिजाइन किया हुआ है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो कितना सच है ये जानने के लिए आपको सबसे पहले डेमो सेशंस अटेंड करने हैं। डेमो सेशंस में आपके और भी जो डाउट्स होंगे वो हम सबसे पहले क्लियर करेंगे। ये जानना जरूरी है कि हम जो पढ़ा रहे हैं क्या हमारी फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो रही है क्या। एंड वंस यू डिसाइडेड कि हमें आपको आपका टीचर बनाना है, देन वी विल स्टार्ट आवर गवर्नमेंट एग्जाम जर्नी। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट, दैट इज प्रैक्टिस। प्रैक्टिस दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक है स्टडी मटेरियल जो सेल्फ प्रैक्टिस है, जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग प्रैक्टिस है, एंड सेकेंड इज द मॉक टेस्ट। बच्चों, स्टडी मटेरियल हम लोगों ने ऐसे डिजाइन किया हुआ है जिसमें हर चैप्टर को टाइप वाइज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया है, जिससे आपको ये पता चले कि ये सवाल इस चैप्टर का कौन से टाइप का है और उसमें क्या ट्रिक्स है और क्या कॉन्सेप्ट्स है। स्टडी मटेरियल में हर टाइप के 50 क्वेश्चंस है, यानी जो भी आप एक कॉन्सेप्ट आज पढ़ रहे हो वो पढ़े बराबर आपको ऑलमोस्ट उसकी 50 वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिलेंगे, जिससे आपको वो कॉन्सेप्ट और भी रिजिड हो जाए। ये स्टडी मटेरियल में आपको सारी ईबुक्स आपको प्रोवाइड होगी। इसके अलावा अब अगर मैं चैप्टर वाइज और मॉक टेस्ट की बात करूं, तो आपने एक बार चैप्टर को टाइप वाइज पढ़ लिया, अब आपकी होगी उस पर चैप्टर वाइज टेस्ट, जिसमें सारे टाइप्स के मिक्स क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जिससे आप उसमें और प्रैक्टिस करें और आपका वो चैप्टर एकदम परफेक्ट हो जाए। इसके अलावा मॉक टेस्ट भी लेंगे। अब ये सब चीजें कैसे होगी ये आपको देखना है, और देखने के लिए आपको डेमो सेशंस ज्वाइन करने हैं। एक सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस किया, थोड़ा डिसिप्लिन में प्रैक्टिस किया, तो गवर्नमेंट एग्जाम इज नॉट अ बिग गेम। गवर्नमेंट एग्जाम का सिलेबस ये 7th, 8th, 9th का है, उसके ऊपर है ही नहीं, तो इसमें सिर्फ प्रैक्टिस लगेगी और एक प्रॉपर गाइडेंस लगेगा। इसके बाद की मुलाकात हम लोग करेंगे हमारे ऑनलाइन सेशन में, जो शुरू होने वाला है, डेट आपको स्क्रीन पे दिख ही रही है।